नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहारी गर्ल गीतांजलि की रसोई में स्वागत है। आज मैं आपके लिए आम की चटनी का रेसिपी लेके आई। देखिए, आम कितना अच्छा है। एकदम रात में आंधी आया था तो कहीं से मतलब आ गया है, बिकने आया था तो खरीद लिए हैं। इसका आम चटनी बनाने का रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। चटनी में कुछ कुछ मसाला हमें ऐड करेंगे। ये है सूखी लाल मिर्च, जीरा, लहसुन, सभी को तवा पे भुनेंगे। चलिए, तवा को हम गैस पे डाल दिए थे, गरम हो गया तवा, इस सब को भुनने के लिए डाल देते हैं। एकदम लो फ्लेम पे ये तब तक भुनेगा तब तक हम आम का छिलका उतार लेते हैं। चलिए, इस तरीके से छिलनी के सहारे से आम का छिलका उतार लेंगे। अभी एकदम नया आम है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। इस तरीके से आम को हम आराम आराम से छील लेंगे और चाकू के सहारे से इसको, बीज बीज तो इसमें है नहीं, ये देखिए, पानी पानी में डालते जाएंगे। साथ ही साथ एक और करके दिखा देते हैं आपको। अगर आपको चटनी की रेसिपी अच्छी लगी तो चटनी वाले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एकदम छोटी से छोटी वीडियो डालने का कोशिश करते हैं तो पूरा वीडियो देखने का भी कोशिश कीजिए आप लोग प्लीज। इस तरीके से काट काट के देखिए, आंधी में जो गिरा है इसमें खुद चोट लगा हुआ है, लेकिन एकदम ताज़ा, अभी इसमें कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से पानी में डाल के 15-20 मिनट छोड़ देंगे ताकि इसका जितना मतलब कस, आम में कस होता है टिकोला में, तो ये सब निकल जाएगा। चलिए, सभी आम को पहले छील के तैयार कर लेते हैं। इधर हमारा मसाला, चटनी का मसाला भी भून के एकदम तैयार हो गया है, एकदम अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो आम को छील के पहले तैयार कर लेते हैं, तब चटनी पीसेंगे। यहाँ पे हमारा सारा आम छील के काट के तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे मसाला भी भून लिए हैं, तो चलिए चटनी पीसना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चटनी हमारा पीस के तैयार हो के आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। 1 चम्मच सरसों का तेल इसमें मिला के और तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा मसाला है जो जीरा, लहसुन और मिर्च तवा पे पका के दिए थे, इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए थे। पीसने के वक्त ही नमक डाल के पीसने से जल्दी पीसा जाता है सिल पे, जैसा कि आप लोग को पता है। तो चटनी का मज़ा लीजिए, फिर कमेंट करके बताइए जो कैसा लगा। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, बाय।